ये क्वेश्चन पूछा था भाई आर एस वाला सारे पार्ट करें इसके ओके फंक्शन थीटा जीरो से आर मिनिमम एस मैक्सिमम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर टू आर एस इज सफिशिएंट फॉर टीट ये नॉट ए सॉल्यूशन हा ऑफकोर्स एक्स वन Xn is less than theta, so we can say theta one cap is equal to minus x1, and theta cap is equal to xn. So therefore, x1 and xn are jointly sufficient, but not complete. So A option is correct. S is MLE of theta. Second part ka answer.

तो आपका मैक्सिमम होता है एमएलई क्या होता है मैक्सिमम लाइकलूड एस्टिमेशन तो मैक्सिमम किस पे है मिनिमम पे तो पूछ रहा है एस इज एन एमएलए ऑफ थीटा नो एमएलए ऑफ थीटा क्या है है आपका ही आ रहा ना बेटा अरे बोलो भाई एक्स एन एमएलए नहीं आ रहा है अच्छा और और तरीका सर सर हमें ग्राफ बनाना नहीं आता प्लीज आप हमें ऑल्टरनेटिव मेथड बताइए तो आई गिव यू ऑल्टरनेटिव मेथड

अरे बोलो भाई तो लैमडा को वन रखो तो वन क्या आया बताओ यहां पर और ये जीरो हो गया चलो लैमडा को जीरो रखो तो लैमडा एक्सट्रीम वैल्यू पे आ रहा है सिर्फ तो अगर मान लो मैं लैमडा की वैल्यू जीरो से वन में लू तो नहीं आएगा ना बिल्कुल भी अरे इन बिटवीन चाहिए हमारे को एंड पॉइंट्स नहीं इसके बीच में इनफाइनिट एमलीज हैं इसके बीच में कितने एमलीज हैं तो लैमडा की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए जीरो से इक्वल टू हटा रहा हूँ भाई वहां से नहीं समझे तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है अगर आपको चेक करना है कि कोई भी वैल्यू ले सकते हो बिटवीन वन बाय टू वन वन बाय थ्री वन बाय फोर वन बाय फाइव तो आपको बताएगा एम है कि पर कायदा वो है ठीक है नेक्स्ट मैक्सिमम ऑफ एक्स वन इज कंप्लीट एंड सफिश स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा मैक्सिमम की बात कर रहा है चेंज कर रहा हूं कलर सी पार्ट तो क्या आप इस पीडीएफ को दोबारा से आशीष हमने ऐसा पढ़ा हुआ है 1/theta mod xi is less than आ, ये कैसे होता है चलो सी पार्टी तो था हमारा <laughs> बाकी लिखा ही नहीं होगा वो कहां गया मुझे कैसे पता कहां चला गया यार मैंने कुछ किया नहीं मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें <laughs> f(x) इस पे मैं कम बहुत कम ही क्लास ली है मैं बोर्ड पे तो 1/mod xi 1/2 theta mod x is less than theta which is greater than what to in that case mod x 1 x 2 aise hota na so theta cap is equal to maximum of mod x i i 1 to where m are clear hai ye baat ki nahi और क्योंकि theta गैप maximum है तो maximum है तो वो complete sufficient statistics भी होगा क्योंकि इकलौता ही है वो ज्वाइंट में नहीं होता वो तो ये ऑप्शन करेक्ट है ये गलत थी ये करेक्ट है अब डी पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर एंड एस ऑप्शन डी स्टूडेंट्स अब आपका फंक्शन माइनस थीटा इज लेस देन एक्स वन इज लेस देन एक्स एन इज लेस देन वॉट कैन वी डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय कर दूं क्या डिवाइड तो आपका माइनस थीटा एक्स एन इज लेस देन ये एक्स आर बाय एस इज लेस देन थीटा अपॉन एक्स एन वो ठीक है छोड़ दिया उसको मान लो आपका थीटा कैप एक्स एन है थीटा कैप क्या आपका? Xn है आपका एक्स एन है थीटा कैप एक्स एन है तो क्या ये माइनस वन आर बाय माइनस वन से वन के बीच में होगा कि नहीं होगा क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा कि नहीं होगा अरे बोलो अगर एक्स वन रखूंगा तो डिपेंड करेगा लेकिन देखो ना क्या तो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन नॉट डिपेंड ऑन थीटा यस व्हेन व्हेन थीटा कैप इज व्हाट तो थीटा कैप तो हमारा एक्स वन भी आ रहा था और माइनस एक्स वन एक्स दोनों आ रहे थे ना तो एक्स पे वो डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड नहीं करता करेक्ट है, है कि नहीं बताओ तो ये डी भी हमारा ट्रू है तो ए सी डी तीनों ट्रू है

तो आरबाएस का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा कभी करेगा कभी नहीं करेगा तो डस नॉट डिपेंड ऑन थीटा ठीक तो लिख दिया जब थीटा की वैल्यू एक्स होगी लिख सकते हैं हम समझा सकते हैं उसको तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा ना बेटा डिपेंड ऑन थीटा पूछता तो ट्रू होता तो क्यों तो ठीटा की वैल्यू एक्स वन रख लेते हैं चलो अच्छा चलो छोड़ो उसको भी फंक्शन uh, की रेंज थीटा क्या माइनस थीटा से थीटा ले लिया ये वन आ गया यहाँ पर ये तो वन है ना तो वन आएगा तो कट गया तो माइनस थीटा कैन बी एनी नंबर कैन बी ग्रेटर देन वन आल्सो राइट ना पर और कोई जस्टिफिकेशन बनता नहीं बेटा क्या लिखेंगे इसमें बताओ अगर वन भी लिखता हूँ तो माइनस थीटा एक्स वन एक्स वन बाई एक्स एन और ये वन आ गया फिर लेस देन थीटा अप एक्स वन आ गया हाँ, हाँ अगर थीटा के आपकी वैल्यू माइनस एक्स वन रखो तो उल्टा हो जाएगा ना बेटा देख थीटा के आपकी वैल्यू माइनस एक्स वन रख अब तेरे को समझ में आएगी मेरी बात ये आशीष बोला था ये लिख दो तो लिख देना चाहिए था लिख दिए अब एक केस तो ये ले लिया ठीक है बेटा एक केस ले लिया थीटा के आपकी वैल्यू माइनस एक्स वन भी थी तो रखो माइनस एक्स वन माइनस माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा सारा अरे बोल भाई तो गड़बड़ हो गई तो सारा बेटा थीटा ठाक है माइनस एक्स वन आया था या एक्स आया था ना तो माइनस एक्स वन रखने में तो कुछ आई नहीं रहा ठीक है ना अब हम्म दूसरा केस हमने एक्स वन सोच रहे थे जबकि आया था माइनस एक्स वन वो हमारी गलती थी वहां पर है ना तो ये समझाते तो मतलब सॉल्यूशन में आपको ले, हमें लिखना पड़ेगा ये है ना हमारा अपने सॉल्यूशन में ओके गाइस हो गया क्वेश्चन अब क्लियर है थोड़ा सा आगे बढ़े तो ए और बी सॉल्व कर दिए थे वो डिलीट हो गए सी डी हैं इस पे अच्छा क्वेश्चन है ये भी बस कंफ्यूज करता है बस आर और एस करके ले लिया कुछ भी बना दिया और देना जब मैं गेट कराऊंगा ना आपको आप बोलोगे सारे क्वेश्चन जो तेईस में आया वो इक्कीस में आया होगा गेट में बाईस में आया होगा गेट में सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है बस